नमस्कार, मैं हूं धनश्री के ज्ञान न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर जिला चिकित्सालय सीहोर से आ रही है, जहां मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाई देने का मामला सामने आया है। कलेक्टेड ज्ञापन देने आए लोगों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से अस्पताल में एक्सपायरी दवाई दी जा रही है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। दरअसल बीते दिनों भी एक महिला मरीज को एक्सपायरी डेट की ग्लूकोज की बोतल लगाने का मामला सामने आ चुका है। इसको लेकर शहर में काफी चर्चाएं बनी रही। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय नेता गौरव सन्नी महाजन ने कलेक्ट्रेट में आवेदन दिलवाकर प्रशासन को अवगत कराया। सन्नी महाजन ने बताया कि एक्सपायरी डेट की दवा से मरीज की जान भी जा सकती है। उन्होंने यहाँ भी आरोप लगाया कि छोटे छोटे ऑपरेशन और महिलाओं की डिलीवरी जिला चिकित्सालय में ना करते हुए मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है और फिर जिला चिकित्सालय के डॉक्टर ही वहां जाकर उनका उपचार करते हैं, उसके बाद लोगों से मुंह मांगे पैसे लिए जाते हैं। उन्होंने यहां भी कहा कि सीहोर का एकमात्र जिला चिकित्सालय होने के बाद भी यहां पर सोनोग्राफी नहीं की जाती है, जिससे वहां पर आए मरीजों को परेशानी होती है। सीहोर से खालिद खान की रिपोर्ट। जिला चिकित्सालय में हो रही अनियमितता के माजी जी के खिलाफ ज्ञापन देने माननीय जिलाधीश महोदय को एकत्रित हुए थे, क्योंकि हॉस्पिटल में ये देखा गया कि मरीजों के साथ छोटा मोटा भी यदि किसी तरह की कोई बीमारी है तो उनको भोपाल रेफर कर दिया जाता है। जो हॉस्पिटल में जो दवाएं हैं दे देते, जैसे अभी विगत दिनों एक केस सुनने में आया, किसी महिला को पुरानी उसकी जो डेट एक्सपायरी थी वो ग्लूकोज की बॉटल चढ़ा दी, जिससे महिला की सीरियस हालत हो गई। कार्रवाई चाहते हैं, इनका स्थानांतरण चाहते हैं, निलंबित किया जावे। इसमें समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि जिला अस्पताल में एक्सपायरी डेट की मरीजों को ग्लूकोज की बॉटल लगाई जा रही और जो अखबार थे उसमें चित्र भी था ग्लूकोज की बॉटल का, जिसपे क्लियर एक्सपायरी डेट पढ़ी जा रही थी। डिलीवरी के मामले भी निजी अस्पतालों में रेफर कर दिए जाते, ऑपरेशन छोटा छोटा निजी हॉस्पिटल में, यहाँ पे हॉस्पिटल की डॉक्टर की सुविधा होती है, वहाँ उसे रेफर करके ऑपरेशन करने जाता है। दवाइयाँ मिल नहीं रही मरीजों को हॉस्पिटल में, सोनोग्राफी हो नहीं रही, रेडियोलॉजिस्ट है नहीं कई वर्षों से, जिससे आम जन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा और सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा। इस समस्याओं को लेकर हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन जहाँ तक एक्सपायरी डेट की ग्लूकोज की बाटल लगाना मरीज के साथ उसके जीवन के साथ खिलवाड़ है, उसकी मृत्यु भी हो सकती थी, इसलिए हमने जिला प्रशासन से निवेदन किया है कि तत्काल सीएमओ माजी को निलंबित किया जाए और उसके खिलाफ लापरवाही का प्रकरण दर्ज किया जाए। छोटे छोटे मामले में उन्हें रेफर कर दिया जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में सीहोर में रेफर कर दिया जाता है, जहाँ डॉक्टर की सेटिंग होती है। पैथोलॉजी आपको मालूम ही, अभी एक डॉक्टर के खिलाफ जांच बैठी है, वो अपनी पत्नी के यहाँ ही रेफर कर रहा था। तो ये ऐसे आए दिन रोज की घटना है, जिसके कारण आमजन बहुत ज़्यादा परेशान है और हमने प्रशासन से निवेदन किया है कि तत्काल सीएमओ को निलंबित करें ताकि हॉस्पिटल का धर्रा सुधरे। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।